हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल किलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह के 9 बजे है, मैं उठ के फेस वॉश करके ऊपर आ गई हूँ छत पे वॉक करने के लिए। बहुत अच्छी धूप निकली है आज एंड वॉक भी हो जाएगा और धूप भी मिल जाएगा, तो थोड़ी देर में वॉक करती हूँ। एंड आज मुझे जाना है हॉस्पिटल, मेरे जो टीबी के जो टेस्ट के लिए कुछ सैम्पल्स हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजे थे उसका रिपोर्ट लेने जाना है, तो थोड़ा सा वॉक करके मैं नीचे जाती हूँ। सो गाइज, लियो भी आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रहा है एंड ये बदमाश बहुत ही प्यारा बन के बैठा है एंड सुबह सुबह मम्मी के साथ खेल रहा है। लियो से हाय। हाय लियो, हाय। तो लियो के साथ थोड़ा सा खेल लिया, उसके बाद मैं रूम में आ गई हूँ। तो मेरा जो रेगुलर मॉर्निंग का रूटीन है मैं वही करती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ एंड थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने के बाद जो है मैं किचन में जाऊँगी। तो किचन में जाके सबसे पहले मुझे लेना है एम्प्टी स्टमक की टैबलेट। सुबह मैं एक टीबी की टैबलेट और एक एंटासिड लेती हूँ। मैंने एम्प्टी स्टमक की टैबलेट्स ले ली है एंड हम लोग हॉस्पिटल थोड़ा लेट जाएंगे क्योंकि जो टीबी हॉस्पिटल है वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा अगर ट्रैफिक नहीं भी होगा तो। तो इस टाइम पे ना 9 to 11, 11:30, कभी कभी तो 12, 12:30 तक भी बैंगलोर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। अभी बाहर निकलो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आफ्टरनून के टाइम जाए। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और कल मुझे मेरे हॉस्पिटल भी जाना है क्योंकि इस बार जो मुझे मेडिसिंस दिया था डॉक्टर ने बोला था कि तुम 15 डेज की मेडिसिंस मैं दे रही हूँ, उसके बाद जो है तुम्हारा जो वहाँ से टीबी हॉस्पिटल से रिपोर्ट आएगा उसको देखने के बाद डिसाइड करते हैं। तो 15 डेज बाद तुम वो रिपोर्ट लेके आना करके। तो अभी मेरा परसों मेडिसिंस ख़त्म हो जाएगा, तो अगर आज वो रिपोर्ट मिलता है तो कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अगर रिपोर्ट नहीं भी मिलता है तो भी जाना है क्योंकि मेरी मेडिसिंस ख़त्म होने वाली है। तो हमारे घर का सबसे लाडला जो है लियो, उसका ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है तो उसको दे के आती हूँ। ये चिकन बोन्स एंड राइस है, तो ये अभी स्मेल कर रहा है चिकन है या नहीं है देख रहा है। तो फिर लियो को खाना देने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में एंड मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ये जो लेमन राइस है ना, जब मैंने हॉस्पिटल में खाया था उसके बाद मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और उसके बाद जो है मैं अपनी मेडिसिन ले रही हूँ मॉर्निंग की। एंड आप मेरा फेस का जो एक्सप्रेशन है वो देख के समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इसका टेस्ट बहुत ख़राब है। 12 बजने वाले हैं, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, मेडिसिन ले लिया और जो भी घर का काम था वो भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया है। तो अभी मैं नहा के आती हूँ, फिर हम रेडी होके हॉस्पिटल जाएंगे। तो मैं नहा के आ गई हूँ, हेड वॉश नहीं किया, तो मैं सबसे पहले अपने फेस पे ये सीरम लगाऊंगी। तो इसमें जो है सन प्रोटेक्शन भी है, तो अलग से सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ, बस ये सीरम ही लगा रही हूँ। एंड उसके बाद जो है मैं अपने हाथों में ये वाला सनस्क्रीन लोशन लगा रही हूँ क्योंकि बाहर जाना है धूप में तो सनस्क्रीन लगाना मस्ट है। तो फेस बहुत डल डल लग रहा था तो मैंने लिपस्टिक लगा लिया है एंड इसको मैट करने के लिए ये टिश्यू पेपर यूज़ कर रही हूँ। एंड हेयर स्टाइल की बारी आई तो मैं यहाँ पे छोटी बना रही हूँ। आजकल मुझे यही वाला हेयर स्टाइल पसंद है एंड कंफर्टेबल भी लगता है, देखने में ओल्ड फैशन हेयर स्टाइल है लेकिन कंफर्टेबल लगता है गर्मियों में। तो ये मैंने यहाँ पर ब्रेड्स बना लिए है एंड उसके बाद एक क्लिप मैंने लगा लिया है, तो मैं रेडी हो गई हूँ। सो अभी 1 बजने वाला है एंड हम लोग निकल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है बट जाना तो पड़ेगा। सो इट्स 12:30 एंड हम लोग निकल गए हैं घर से, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था रास्ते में, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है हमारी, और फाइनली हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। तो अभी हम लोग निमांस के कंपाउंड में है, यहाँ पे निमांस हॉस्पिटल है न्यूरो का और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यही सारे हॉस्पिटल्स एक ही जगह में है। तो हमारा हॉस्पिटल का काम ख़त्म हो गया है और काफ़ी लेट भी हो गया है, 2:30 हो गया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बाहर ही लंच करके घर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं, अभी 3:30 हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और हम लोग लंच भी बाहर से ही करके आए थे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुझे रिपोर्ट नहीं मिला, उन्होंने बोला कि जो रिपोर्ट है वो कल्चर और DST दोनों का 2 महीने बाद ही आएगा, बट 10-15 दिन बाद एक बार आप आ जाओ, कुछ अपडेट मिलेगा, ऐसा कुछ बोला है। तो हम लोग वापस आ गए एंड अभी बहुत गर्मी है तो मैं पीने के लिए कुछ ठंडा बनाती हूँ। तो हॉस्पिटल से आते टाइम मैं कुछ वेजिटेबल्स एंड ये मैंगो भी लेके आई हूँ। तो मैंगो जो है अभी काफ़ी प्राइस कम हो गया है, तो मैंने सोचा कि 2 kg लेके जाती हूँ, तो 2 kg मैंगो लेके आई हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था मैंने, तो अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया है एंड उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स लेके आई हूँ। तो इसमें मैंने प्याज और आलू अलग से रख दिया है, फिर ये जो है टमाटर, खीरा और चिल्ली एंड ये ग्रीन चिल्ली भी लाई हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं, सब्जियाँ, इसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, नींबू। तो इन सारी चीज़ों को जो है मैं फ्रिज में रख देती हूँ।
इतनी गर्मी में बाहर से आए हैं तो कुछ ठंडा पीने के लिए मैं मैंगो लस्सी बना रही हूँ। 4:30 हो रहा है और मुझे समझ नहीं आता कि इतना जल्दी कैसे टाइम चला जाता है। मैं किचन में कुछ कुछ कर रही थी और उसी में 4:30 हो गया। हम लोग लंच बाहर से करके आए थे, मेडिसिन नहीं ली है तो मैं थोड़ी देर में लूंगी। आज काफी लेट भी हो गया मेरा लंच के बाद वाला मेडिसिन लेने के लिए, तो मुझे रिपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने बोला रिपोर्ट जो कल्चर एंड टीएससी का है दोनों का आएगा 2 महीने बाद, बट उन्होंने फिर भी 15 दिन बाद एक बार आने के लिए बोला है। पता नहीं क्या अपडेट क्या कुछ बोल रहे थे, तो 15 डेज बाद एक बार आ जाओ ऐसे बोला है। तो हमने बोला ठीक है। एंड यहाँ पे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, और एक चीज़ तो ये भी है कि अगर मैं फ़ैन चला के बात करूँगी तो फिर वीडियो में ना वो फ़ैन की आवाज़ आएगी, इसीलिए जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ मैं फ़ैन नहीं चलाती हूँ। तो यहाँ पे अभी 34-35 डिग्री होगी, और मैं सोचती हूँ कि जो 46-47 डिग्रीज पे लोग रहते हैं वो कैसे रहते हो। इस टाइम हमारे दार्जिलिंग में बहुत अच्छा वेदर रहता है, विंटर्स में तो काफ़ी ठंड होता है और समर्स में काफ़ी अच्छा वेदर रहता है, इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है। तो घर पे होते हैं तो बहुत मज़ा आता था, बट यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लगती है। तो अभी मैं ये मैंगो लस्सी ख़त्म करके मैं अपनी टैबलेट्स लूँगी, उसके बाद मिलती हूँ। तो मैंने मेडिसिन भी ले लिया है। बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, पता नहीं कौन सी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसी मशीन की आवाज़ आ रही है। तो मैंने मेडिसिन ले लिया है एंड अभी जो है मैं नीचे जो मेरी नेबर है उनके घर जा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से हम नहीं मिले। जब मैं हॉस्पिटल गई थी उससे पहले मिले थे और उसके बाद नहीं मिले, एंड वो कल भी मुझसे बोल रही थी कि तुम हमारे यहाँ पर आती नहीं हो। तो आज मैं जा रही हूँ और बहुत सारी बातें भी करनी है, तो मैं आके मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी 7 बजे है और मैं नीचे जो नेबर के घर गई थी वहाँ से आ गई हूँ, तो डायरेक्टली मैं छत पे आ गई हूँ वॉक करने के लिए। बहुत अच्छी हवा चल रही है और थोड़ी सी लाइटिंग भी हो रही है, शायद बारिश होगी। वेदर अभी शाम के टाइम कुछ ऐसा हो गया है कि बारिश होने का क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी है। तो अभी मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ एटलीस्ट 40 मिनट्स, फिर मैं नीचे जाऊँगी। सो गाइस अभी 9 बज गए हैं और मैं किचन में आ गई हूँ, तो अभी मुझे डिनर बनाना है। तो आज मैंने सोचा है कि आलू पराठा बनाऊंगी। लाइफ में फर्स्ट टाइम आज मैं आलू पराठा बना रही हूँ। मुझे आलू पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने घर पे कभी नहीं बनाया। जब हम घर पे रहते थे तो मम्मी बनाती थी, मामी जी बनाती थी, तब हम खाते थे, और जब से हम लोग बैंगलोर आए हैं हम लोग बाहर ही खाते हैं आलू पराठा या फिर जो भी लच्छा पराठा होता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं घर पे ही बनाऊंगी, तो देखते हैं कैसा बनता है। सो लेट्स मेक आलू पराठा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आलू का जो फिलिंग है वो रेडी कर लिया है और यहाँ पे पराठे के लिए रोटी भी है। तो फर्स्ट पराठा हमारा बिल्कुल बेकार गया, पूरा आलू जो था वो बाहर निकल गया। और सेकंड वाला जो है अभी बन रहा है, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे बेल रहे हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि रोटी वही बेलते हैं जब भी हम रोटी बनाते हैं। तो ये वाला भी एक साइड से मोटा हुआ, एक साइड से आलू निकला, एंड दिस इज़ द थर्ड वन। तो थर्ड वन में थोड़ा सा अच्छा हुआ, तो फर्स्ट और सेकेंड वाला तो बेकार गया और थर्ड पराठा जो है थोड़ा अच्छा हुआ। तो मैं ये बना रही हूँ और बाकी जो हम बना रहे हैं वो अच्छा ही बन रहा है। तो पराठा बनाते बनाते आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, मतलब कितनी गर्मी होगी यहाँ पे। तो पराठों के साथ खाने के लिए मैं ये रायता बना रही हूँ। मैंने दही लिया है, इसके ऊपर जीरा पाउडर धनिया पाउडर ऐड कर दिया है जो मैंने घर पे ही बनाया था, थोड़ा थोड़ा ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, उसके बाद मैंने ऐड किया है कुकुम्बर खीरा एंड प्याज टमाटर। तो इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था नहीं ऐड किया। तो हमारा होम मेड रायता बिल्कुल रेडी है और चटनी भी बन गई है। तो हमारा जो है डिनर रेडी है, आलू पराठा विद स्पाइसी चटनी एंड ये होम मेड रायता। तो मैं डिनर करके मिलती हूँ। तो हमने डिनर कर लिया है, उसके बाद मैंने किचन भी थोड़ा सा क्लीन कर लिया। तो अभी फेस वॉश करके आई हूँ एंड यहाँ पे आइस जो है वो रब कर रही हूँ फेस पे, क्योंकि बाहर धूप में हम लोग बाहर गए थे आज, तो स्किन की भी हालत ख़राब हो गई है। तो आइस रब किया, उसके बाद ये कुमकुम आदि जेल जो है मैं अपनी स्किन पर लगा रही हूँ। तो ये वाला जो कुमकुम आदि जेल है वो काफ़ी अच्छा से वर्क कर रहा है मेरे लिए। फिर उसके बाद नाइट वाली मेडिसिन मैं ले लूँगी एंड मेडिसिन ले लिया है मैंने। सो फ्रेंड्स अभी 10:30 हो गया है और हमने डिनर कर लिया, मैंने मेडिसिन भी ले लिया है। रात को मेरे इतने मेडिसिन है नहीं वैसे। तो जो मैंने आलू पराठा बनाया था आज फर्स्ट टाइम बनाया था एंड दिखने में तो अच्छा नहीं था। जब हम बना रहे थे तब हमने सोचा था कि ये तो पूरा ख़राब हो गया, अब डिनर क्या करेंगे, बट खाने में वो टेस्टी था। तो फर्स्ट ट्राई जो था मेरा वो सक्सेसफुल रहा एंड टेस्टी बना था। तो मैं फिर से बनाऊंगी और होप कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा अच्छा बने। और कल सुबह मुझे हॉस्पिटल जाना है, जिसके लिए मुझे 6:30 को ही निकलना पड़ेगा घर से। तो आज मैं जल्दी सोने का मेरा प्लान है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं देन प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।